फरीदाबाद में बना एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल। आखिर क्या है इस अस्पताल की खासियत कि देश के प्रधानमंत्री ने किया इस अस्पताल का उद्घाटन? आखिर इलाज के लिए यह ऐसी क्या खास सुविधाएं दे रहा है जो बनाता है इसे सबसे खास? कितने डॉक्टर देंगे यहाँ अपनी सेवाएं और क्या होगी मरीजों के लिए सुविधाएं? चलिए जानते हैं सब कुछ। यह अस्पताल इन दिनों काफी चर्चा में है और इसके पीछे कई कारण है, जानेंगे वो भी। लेकिन पहले जान लेते हैं कि अस्पताल को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा। सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बढ़ाई थी तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से, लेकिन जब समाज के धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान ना देने को कहा और उसका तुरंत असर भी हुआ। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्ण पाल गुर्जर, अम्मा के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने पहुँचे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के जरिए माता अमृतानंदमयी ने हमें आशीर्वाद दिया है। देश कुछ दिन पहले ही आजादी के अमृत काल में पहुंचा है और इस बात की खुशी है कि अमृत काल के पहले श्रेणी में देश को माँ अमृतानंदमयी से आशीर्वाद मिला है। पीएम ने कहा कि यह अस्पताल आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समागम है। यह अस्पताल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा, फ्री इलाज का एक जरिया बनेगा। साथ ही पीएम मोदी ने मां अमृतानंदमयी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की मूर्ति है। वह भारत की आध्यात्मिक परंपरा वाहक है। पीएम ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि अध्यात्म का असर हमें कोरोना काल में देखने को मिला, जब सभी आध्यात्मिक गुरु इस महामारी के खिलाफ एक साथ आ गए थे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अमृता अस्पताल क्यों है इतनी चर्चा में और क्या है इस अस्पताल की खासियत। फरीदाबाद में बने एशिया के सबसे प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अमृता हॉस्पिटल का संचालन माता अमृतानंदमयी मठ के तरफ से किया जा रहा है। इस अस्पताल को 130 एकड़ के विशाल परिसर में बनाया गया है। इसमें 5,20,000 स्क्वायर फीट में मेडिकल कॉलेज भी बना है, जिसमें 2600 बेड होंगे। इसके अलावा 81 स्पेशलिटीज और 64 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और डिजिटली मॉनिटर, 534 घंटे क्रिटिकल केयर आदि जैसी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं भी दी जाएंगी। रोगियों के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के लिए 498 कमरों वाला गेस्ट हाउस भी होगा। पूरी तरह से चालू होने के बाद अस्पताल में 10,000 से भी अधिक कर्मचारी और 800 डॉक्टर काम करेंगे, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि यहाँ का पीडियाट्रिक वार्ड सबसे बड़ा है, जिसे बनाने में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि फरीदाबाद में बन रहा अमृता अस्पताल माता अमृतानंदमयी मठ का दूसरा अस्पताल है। इससे पहले 1200 बेड का एक अस्पताल कोच्चि में भी मौजूद है। इस अस्पताल के बन जाने के बाद हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के लोगों को शानदार सुविधाएं मिल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।